सुंड बंदर, जिसे लंबी नाक वाले बंदर के रूप में भी जाना जाता है, ओल्ड वर्ल्ड बंदर की एक प्रजाति है जो केवल दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर पाई जाती है। इसका नाम इसकी विशिष्ट लंबी मांसल नाक के लिए रखा गया है, जो प्राइमेट्स के बीच अद्वितीय है। सुंड बंदर आमतौर पर बोर्नियो के तटों के साथ मैंग्रोव दलदलों और नदी के जंगलों में पाए जाते हैं और उनके जलीय आवासों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। वे मजबूत तैराक होते हैं और उनके पैर जालीदार होते हैं, जो उन्हें पानी में तेजी से चलने में सक्षम बनाते हैं। अपनी असामान्य नाक के अलावा सुंड बंदर अपने बड़े आकार के लिए भी जाने जाते हैं, जिनमें पुरुषों का वजन 24 किलोग्राम 53 पाउंड तक होता है। वे सामाजिक जानवर हैं और समूहों में रहते हैं जिनकी संख्या 20 व्यक्तियों तक हो सकती है, आमतौर पर एक प्रमुख पुरुष के नेतृत्व में। निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण सुंड बंदर को एक संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। उनके आवासों की रक्षा करने और इन अद्वितीय प्राइमेट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। जंगली में सुंड बंदरों का जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष होने का अनुमान है, हालांकि व्यक्तियों को 25 वर्ष तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। कैद में वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, कुछ व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष तक पहुंच सकती है। हालांकि जंगली में उनकी जीवन प्रत्याशा विभिन्न कारकों जैसे निवास स्थान के नुकसान, शिकार और बीमारी से प्रभावित हो सकती है, जो उनके जीवन काल को कम कर सकती है। इसके अलावा बड़ी नाक वाले पुरुषों, जिन्हें महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक माना जाता है, उनकी बड़ी नाक को बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा के कारण कम उम्र का हो सकता है। कुल मिलाकर सुंड बंदर का जीवन काल अन्य प्राइमेट्स जैसे कि चिंपांजी और वन मानुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, जो जंगली में 40 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। सुंड बंदर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से पत्ते, कच्चे फल और बीज होते हैं। हालांकि वे कभी कभार कीड़े और छोटे अक्षरों की खाने के लिए जाने जाते हैं। उनके आहार व्यवहार का एक दिलचस्प पहलू यह है कि उनके पास एक अद्वितीय पाचन तंत्र है, जो उन्हें अपने भोजन में विषाक्त पदार्थों को तोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए वे मैंग्रोव पेड़ की पत्तियों को खाने में सक्षम होते हैं, जो अधिकांश अन्य जानवरों के लिए विषैले होते हैं। सुंड बंदरों को उनके खिला व्यवहार के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम शामिल होता है। वयस्क नर प्रमुख व्यक्ति होते हैं और भोजन स्रोतों तक उनकी प्राथमिकता पहुंच होती है, जबकि मादा और युवा बंदर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसके अलावा सुंड बंदरों के पास एक विशेष पेट का डिब्बा होता है, जिसे पवित्र पेट कहा जाता है, जो उन्हें अपने भोजन को पचाने में मदद करता है। ये पेट 4 कक्षों में विभाजित होता है और सत पौधों की सामग्री को किण्वित करने में सक्षम होता है, जिससे उन्हें अपने भोजन से अधिक पोषक तत्व निकालने की अनुमति मिलती है। सुंड बंदरों को उनकी अनूठी उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। उनकी लंबी उभरी हुई नाक एक विशेषता है। एक पुरुष सुंड बंदर की नाक 7 इंच तक लंबी हो सकती है, और ऐसा माना जाता है कि ये साथी और गायन को आकर्षित करने में एक भूमिका निभाता है। अंत में सुंड बंदर बोर्नियो के मूल निवासी हैं, और निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण उन्हें एक संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। उनकी आबादी और आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं।